जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे शिव चतुर्दशी की कहानी। शिव चतुर्दशी का व्रत जो भी व्यक्ति पूरे श्रद्धा भाव से करता है, उसके माता पिता के सारे पाप सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन शिव चतुर्दशी का व्रत किया जाता है। इस पूरे दिन शिव जी की पूजा के लिए अलग विधि विधान बताए गए हैं। इस दिन व्रत को करने से व्यक्ति काम क्रोध लोभ मोह आदि के बंधन से मुक्त हो जाता है। शिव चतुर्दशी व्रत में शिव के साथ माता पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी और शिव गणों की पूजा भी की जाती है। तो हम व्रत के नियम देख लेते हैं। शिव चतुर्दशी का व्रत करने वाले को मात्र एक समय ही भोजन करना चाहिए। इस समय सुबह व्रत का संकल्प लेकर शिव जी की धूप दीप पुष्प आदि से पूजा करें। पूजा में भांग धतूरा और बेलपत्र का विशेष महत्व है। शिव मंत्रों का जाप शिव मंदिर या घर के पूर्व भाग में बैठकर करने से शुभ फल प्राप्त होता है। चतुर्दशी के उपरांत ब्राह्मणों को भोजन करा के स्वयं भोजन करना चाहिए। चतुर्दशी के दिन रात के समय शिव मंत्रों का जाप करना चाहिए। शिव जी के कुछ विशेष मंत्र इस प्रकार हैं। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः, ये मंत्र भी हम जाप में पढ़ सकते हैं। रात के समय इस मंत्र का जाप करना भी शुभ रहता है। शंकराय नमस्तुभ्यम नमस्ते करवीकरः, त्रंबयकाय नमस्तुभ्यम महेश्वरमतः परम, नमस्तेस्तु महादेवस्थन्वे च ततच्छ परमो, नमः पशुपते नाथ नमस्ते संभवम नमः, नमस्ते परमानंद नणः सोमधारीणे नमो भीमाय चोग्राय त्वामहं शरणं गतः। ये श्लोक पढ़ना भी शुभ फल देता है। शिव चतुर्दशी का व्रत जो भी व्यक्ति पूरे श्रद्धा भाव से करता है, उसके माता पिता के सारे पाप कष्ट दूर हो जाते हैं। वह जीवन के संपूर्ण सुखों का भोग करता है। इस व्रत की महिमा से व्यक्ति दीर्घायु ऐश्वर्य आरोग्य संतान एवं विद्या आदि प्राप्त कर अंत में शिवलोक को जाता है। व्रत की विधि में शिव चतुर्दशी व्रत में भगवान शिव के साथ माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी और शिव गणों की भी पूजा की जाती है। पूजा के प्रारंभ में भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। इस अभिषेक में जल दूध दही शुद्ध घी शहद शक्कर या चीनी गंगा जल तथा गन्ने के रस आदि से स्नान करवाया जाता है। अभिषेक कराने के बाद में बेलपत्र समीपत्र कुशा तथा दूब आदि से शिव जी को प्रसन्न किया जाता है। अंत में भांग धतूरा तथा श्री फल भोलेनाथ को भोग में लगाया जाता है। शिव चतुर्दशी के दिन पूरा दिन निराहार रहकर इनके व्रत का पालन करना चाहिए। शिव चतुर्दशी का व्रत व्यक्ति जो भी पूरे श्रद्धा भाव से करता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय।